सासाराम विखे रहिंदिया होइआं ही धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी गुरु का बाग ते चाचा फग्गू मल जी दे घर आउंदे जांदे रहिंदे सन ते संगतां नूं तारदे। अज जिस रस्ते ते धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी चाचा फग्गू मल जी दे घर आ रहे सन तां घोड़ा अगे ना वधे तां गुरु साहिब जी ने घोड़े दीआं लगामां खिंचीआं पर घोड़ा अगे ना वधे तां गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने जानणा कीता कि साडा घोड़ा अगे क्यों नहीं वधिया। तां सिखां ने अगे जाके जो वेख्या गुरु साहिब जी नूं आके दस्सिया पातशाह जी अगे किसे दा खेत दे विच तंबाकू बीजिया होया है इस करके घोड़ा अगे नहीं वध रहा। तो गुरु साहिब जी ने पता किया कि भाई ये खेत किस दे हन ते सिखां वल्लों दस्सिया गया कि ये खेत माई जीओ जी ते भाई अचल जी दे हन। ते जदों इस खेत दे बारे पता लग्या तां धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने उन्हां नूं पास सद्या बड़े प्रेम दे नाल समझाया अते जीवन जुगत जीण दी जाच दसी ते माई जीओ जी ते भाई अचल जी ने गुरु तेग बहादुर पातशाह जी तों प्रभावित हो के सिक्खी धारण कीती ते जिस खेत दे विच तंबाकू बीजिया होया सी ओह खेत ते तंबाकू बीजना बंद कर दिता। स्थानक लोकां वल्लों इह वी दस्या जांदा है इह उही माई जीओ है जिस माई ने अपने घर का कूड़ा चक के चाचा फग्गू मल जी नूं भेट किया सी दसवंध दे रूप दे विच पर अज गुरु की संगत माण के वह माई जीओ भी धन होगी ते उसे माई जीओ जी ते भाई अचल जी की जमीन दे विच गुरद्वारा टकसाल संगत सुशोभित है जी आप जी दर्शन कर रहे हो। इत्थे ही एक पुरातन खूह भी मौजूद है ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी वल्लों बख्शिश किए शस्त्र भी मौजूद ने ते इत्थे ही गुरद्वारा साहब टकसाल संगत सुशोभित है जी आप जी दर्शन कर रहे हो जी। सासाराम दे अंदर जिथे चाचा फग्गू मल जी का गुरद्वारा साहब गुरु का बाग गुरद्वारा साहब टकसाल संगत गुरद्वारा साहब उत्थे ही एक होर परिवार रहिंदा है जी जिसनों कि सरदार परिवार के नाम के नाल जाणिया जांदा है। ये टकसाल संगत तो थोड़ी दूर अगे जाके इन्हां दा घर है जी ते इत्थे ही एक सरदार परिवार बसदा है जिन्हां दे घर दे विच चुबारे दे अंदर धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया होया है। ये जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया होया है ये पत्थर दे छापे वाली पुरातन बीड़ है। परिवार वालों दस्या गया कि जदों धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी गुरु के बाग ठहरे हुए सन ते चाचा फग्गू मल जी दे घर आउंदे सन इत्थों दे ही एक खत्री शाहूकार ने इन्हां दे बजुर्गां नूं गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं अज लैण दे लई भेजिया कि जाके अगों गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं आप लेकर के आओ। ते जदों ये परिवार गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं लैण गया कि पातशाह जी अज इस मार्ग ते चलो जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह जी उस मार्ग ते चलन लगे तां उत्थे फुल विछाए हुए सन ते इस मार्ग ते जिस मार्ग ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं अज लैके जाणा सी बड़े सोहणे कालीन अते फुल विछाए गए। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ने इस परिवार नूं पुछया कि ये फुल ते ये कालीन आप जी ने विछाए हैं। ये कहन लगे नहीं जी असी तां नौकर हाँ ये शाहूकार ने सानू भेजिया है ये उन्होंने चाचा फग्गू मल जी के घर जाण वास्ते आप जी वास्ते कालीन ते फुल विछाए हैं। गुरु साहब जी ने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं आया वो कहन लगे नहीं जी वो आप नहीं आ सकया उन्होंने सानू ही भेज दिता। पातशाह जी कहन लगे जो संगत दे लई आप चल के नहीं आ सकया असी उहदे रस्ते ते नहीं जावांगे। ते गुरु तेग बहादुर पातशाह जी जदों दूजे रस्ते ते जाण लगे इस परिवार वल्लों कहा गया कि पातशाह जी अगर आप जी इस रस्ते ते ना गए तां साडी नौकरी चली जाएगी। गुरु साहिब जी कहन लगे ना भाई तुहाडी नौकरी नहीं जाएगी अकाल पुरख ते भरोसा रखो तुहानूं तां सरदारियां मिलणगियां। सच जाणियो अज ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਸਾਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਰੋਹੀ ਆਪ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ
जो इन्हां दे घर अज भी मौजूद है। तो इस परिवार वालों धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ते बहुत वड्डी श्रद्धा ते विश्वास बनिया होया है ते सारा परिवार गुरसिखी दे नाल जुड़िया होया है। अज भी ये परिवार सासाराम दे अंदर मौजूद है जी। आप जी जदों भी सासाराम विखे जाओ तां सरदार परिवार दे घर धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे दर्शन करो। उत्थे नाल ही धन धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी वालों बख्शिश की हुई सरोही के दर्शन जरूर करके जाना जी। इस तों बाद गुरु तेग बहादुर पातशाह जी किस मार्ग ते अगे जाते हैं वो अगली लड़ी नंबर 110 विच श्रवण करोंगे जी। तुहाडा अपना वीर भगवान सिंह खोजी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।